वेलकम टू द चैनल। आज 13 सितंबर, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आप आंसर करेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। तो किसे अपॉइंट किया गया, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल का वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था, सो इसलिए मैं आज के वीडियो में ही जो भी रिमेनिंग करंट अफेयर्स है वो आपके यहाँ पे मैं कवर करवा दूंगा। ऑन विच डे वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व, यू हैव टू आंसर दिस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10th of September। 10 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन इसे ऑब्जर्व करता है, ग्लोबली इसे ऑब्जर्व किया जाता है। एक प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुसाइड नहीं होता। हमारे इंडिया की बात की जाए, हर साल अराउंड 1,30,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लाइक सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, उस वजह से वो अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स लाइक सुसाइड भी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तो कौन सी डेट को याद रखना, 10 सितंबर को। WHO हैज बीन द को स्पॉन्सर ऑफ दिस डे। इंपॉर्टेंट डेज की बात है, 5 सितंबर को हमारा टीचर्स डे, इंटरनेशनल चैरिटी डे, एंड 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम 8 सितंबर को ऑब्जर्व कर चुके एंड उसके बाद वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हो गया जी, 10 सितंबर को याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं, रिसेंटली टाइफून फैक्साई हिट्स विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री में इसने हिट किया, विंड्स अप टू, जिसकी जो हवाओं की स्पीड थी अराउंड 210 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सी कंट्री में हिट किया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जापान। ओके, फैक्साई इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून टू हिट जापानीज कैपिटल इन डिकेड। जापान में हिट किया। अब जापान के बारे में बेसिक चीज आप सबको याद है, कैपिटल हमारी टोक्यो आ गई, प्राइम मिनिस्टर का नाम शिंजो एबे, पार्लियामेंट का नाम डाइट, एंड करेंसी येन, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं, जैक मा स्टेप डाउन एज अ चेयरमैन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज। कौन सी कंपनी के चेयरमैन थे जैक मा, जिन्होंने अभी 55 इयर्स की एज में स्टेप डाउन कर लिया, चेयरमैन की पोजीशन से हट गए। करेक्ट आंसर अपने जन्मदिवस वाले दिन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अली बाबा। ओके, चाइनीज कंपनी अली बाबा के चेयरमैन थे जी हमारे जैक मा। ओके, इनकी पिक्चर भी आपके सामने, इनके बारे में स्टोरी जरूर पड़ेगा अगर आपके पास टाइम मिलता है, काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी लाइफ में, काफी ज्यादा इन्होंने हार्डवर्क किया एंड इस मुकाम तक पहुंचे थे। अब न्यू कौन होंगे जी, डैनियल जैंग, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं, विच बॉडी हैज अर्ज इंडिया टू एंड लॉकडाउन कर्फ्यू इन जम्मू एंड कश्मीर। एक्चुअली आप सबको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर की प्रेजेंट सिचुएशन, खासकर कश्मीर की बात की जाए, हालात थोड़े से खराब है, लाइक नॉर्मल सी धीरे धीरे आ रही है बच्चे, बट इट्स टेकिंग टाइम, एंड इन दैट केस स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। एंड चलो, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में लास्ट में वीडियो के। तब तक आपको ये इसका नाम याद, मतलब इसका आंसर क्या है जी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन मैंने अर्ज किया है कि इसको जल्दी से जल्दी रिव्यू किया जाए एंड इस चीज़ों को जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हैं इसको जल्दी से हटाया जाए। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिचेल बैचलेट, ये भी नाम आपको याद रखना, एक्सप्रेस कंसर्न फॉर दिस इशू। ओके, याद रखिएगा, जिनेवा में ये मीटिंग हो रही है। देन उसके बाद, विच कमेटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू ओवरसी द बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरीज। हमारे जम्मू की फिर से बात आ गई, आपको पता है कि दो न्यू यूनियन टेरिटरीज बन चुका है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, तो बाइफर्केशन लाइक ये देखा जाएगा कि डिलिमिटेशन कौन सी यूनियन टेरिटरी में कितनी सीट्स दी जाएंगी। यू नो कि यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, लाइक विद लेजिस्लेचर होगा, इलेक्शन होंगे, सीएम होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, बट लद्दाख में नहीं होगा। तो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जो देखेगा इस सारी चीज़ों को, देखा लाइक सीट्स कितनी दी जाएंगी, कितनी सीट्स होंगी, बाइफ्रिकेशन जो डीलिमिटेशन वगैरह होगा, इन सब चीज़ों को देखने के लिए कमेटी वगैरह बनाई गई। तो अब आपको ये बताना है कि इस कमेटी का नाम क्या है। ओके, तो कमेटी का नाम है संजय मित्रा कमेटी। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, चेयर्ड बाय डिफेंस सेक्रेटरी संजय मित्रा। नेक्स्ट करते हैं, गवर्नर ऑफ राजस्थान। तो किसने शपथ ले ली आपको बताना, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कलराज मिश्रा, इन्होंने इसकी शपथ ले ली एज द गवर्नर ऑफ राजस्थान। अशोक गहलोत इज द सीएम, जो कैपिटल है राजस्थान की वो है जयपुर। ओके, याद रखिएगा। वाज बीन इंडक्टेड एज ऑनरी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी फॉर हिज सर्विसेज टू द काज ऑफ साइंस। साइंस में कंट्रीब्यूशन के लिए ऑनरी फेलोशिप से सम्मानित किया गया, आपको बताना है किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर यूसुफ हामिद, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, रवनीश कुमार इनका नाम आपको याद होना चाहिए, अभी हाल ही में 2019 का रमन में किसे से अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें, NDTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव। अंशुला कांत, इनका नाम आपको याद होना चाहिए बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक की MD एंड CFO अपॉइंट हुई है। डेविड मालपास, ये सबको पता है, वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट है। ओके,
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन ऑनर्ड विद फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ जैद सेकंड. तो किसे सम्मानित किया गया फर्स्ट क्लास ऑफ ऑर्डर ऑफ जैद सेकंड से? यूएई द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया. नवदीप सिंह सूरी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, इंडिया एनवॉय टू द यूएई नवदीप सिंह सूरी को अपॉइंट किया गया, सम्मानित किया गया फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जैद बाय यूएई गवर्नमेंट. ओके, देन हमारा ये पॉइंट, आरबीआई टू लॉन्च मोबाइल ऐप फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, लाइक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए आरबीआई एक ऐप लॉन्च करने वाली है जिससे वो डिनोमिनेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर दिस आरबीआई हैज सिलेक्टेड डेफोडिल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड. अब ऐप का नाम क्या होगा, ये सारी चीजें आपको हम बता देंगे जैसे अपडेट होगा. बट इसमें होगा कि आप अपने नोट्स, लाइक जो भी जिसको प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोट्स में डिनोमिनेशन में, वो आराम से विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर्स मुंबई, स्थापना 1st April 1935, headquarters is in Kolkata, presently headquarters is in Mumbai. Okay. 24th World Energy Congress commences in Abu Dhabi. Abu Dhabi mein iska like start hui hai ji. 24th World Energy Congress commences in Abu Dhabi under the chairmanship of Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, jo wahan ke president hai. Ab dekho, ab iska main objective kya hai ki, iska main objective kya hai ki, to bring together international energy stakeholders including government, private and state cooperation, academia and media, taki energy ke related jo bhi like steps uthaye ja sake, energy ko conserve kiya ja sake. Okay, the theme of this World Energy Congress is energy for prosperity. Ye point aapko yaad rakhna hai, theme bhi aapko yaad rakhna hai. 24th session hai jo haal hi mein shuru hua hai ji, Abu Dhabi. Okay, yaad rakhna. Then our next question is, Paralympic Committee of India de-recognized for the sport code violation. It's de-recognized, kya gaya tha? Ministry of Sports has de-recognized Paralympic Committee of India. The ministry has been de-recognized for the violation of National Code, National Sports Code. The committee violated the code for removing its selected president Roy Inderjit Singh. इन्होंने इनको हटा दिया गया था जो National Sports Code का violation करने की वजह से. Sports Ministry ने Paralympic Committee of India को de-recognize किया. Okay, याद रखिएगा. देन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री के स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है जी, श्री किरण रिजिजू, इनका नाम भी आपको जरूर यहाँ पे याद रखना है. ओके, INS खंदेरी टू बी कमीशन इन टू इंडियन नेवी. इसे कमीशन किया जाएगा इंडिया सेकेंड स्कॉर्पियन क्लास सब क्लास मैरीन. INS खंदेरी विल बी कमीशन इन टू द इंडियन नेवी बाय द डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा इसे कमीशन किया गया एंड ये बनी गई है. दिस वॉज मैनुफेक्चर्ड बाय मैगाजॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई. ओके, द फर्स्ट स्कॉर्पियन सब क्लास मैरीन INS कावेरी वॉज कमीशन इन टू इंडियन नेवी इन दिसंबर 2017. फर्स्ट वाली INS कावेरी थी, अब सेकेंड वन इज INS खंदेरी, नाम आपको याद रखना है. चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह, यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेवी डे कौन सी डेट को होता है, 4 दिसंबर को, याद रखिएगा. देन साइरोट्रैकोन बोरियस इज द लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल ऑफ ऑल टाइम. लंडन की एक यूनिवर्सिटी ने इस रिसर्च की, लाइक इसके अकॉर्डिंग के बाद डिस्कवर किया कि ये जिस तरह की आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है, ये सबसे इज द लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल ऑफ ऑल टाइम. ये उड़ भी सकता है ये एनिमल. ओके, याद रखिए, जिसका वेट है जी 250 kg. ओके, तो याद रख लेना. दिस वॉज लाइक डिस्कवर्ड अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाई क्यून मैरी यूनिवर्सिटी इन लंडन. इस बर्ड का नाम क्या है जी, साइरोट्रैकोन बोरियस, इसका नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना. इसकी पिक्चर यहाँ से आप देख सकते हैं, 250 kg इसकी जो वेट. देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम. नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया, कहाँ से किया जी, यूपी से किया. यूपी से कहाँ, मथुरा से. ओके, द प्रोग्राम एम्स एट वैक्सीनेटिंग अराउंड 500 million लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग कैटल, बफेलो, शीप, गोट्स, पिग्स अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज. हर साल 2 बार वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बाकी प्रोग्राम्स भी काफ़ी ज़्यादा इसके रिलेटेड, लाइक जो स्कीम्स वगैरह लॉन्च की गई, ताकि वैसे भी हमारी कंट्री में लाइक मिल्क की बात की जाए, इंडिया नंबर 1 पे इन केस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन. तो गवर्नमेंट फंड्स वगैरह भी अलॉट करेगी इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स 2024 तक, यानी कि 12,652 करोड़ रुपया भी देने वाली है आने वाले 5 सालों के में. ठीक है, तो रिलेटेड भी आपको याद रखना कि नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया, बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. आपको यहाँ पे याद रखना है, उत्तर प्रदेश में मथुरा में, याद रखिएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीके मिश्रा अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. मैंने आपको पहले भी बताया था, अब आप इनको अपॉइंट कर दिया गया. इनका नाम आपको याद रखना है, प्रमोद कुमार मिश्रा. ठीक है, बाकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी. इज 1972 बैच IAS
ऑफिसर ऑफ गुजरात कैंडिडेट. ओके, याद रखिएगा, ही जॉइंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2014 एज अ एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी. ही वाज वेरी एक्सपीरियंस. ये बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे याद रख सकते हो. इनका नाम जरूर याद रखना, पीके मिश्रा. देन नेक्स्ट है पीके सिन्हा. इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, पीके मिश्रा एंड पीके पीके दोनों. पीके सिन्हा अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके, तो बाकी इनकी डिटेल्स 1977 IAS, कौन से कैडेट से हैं, उत्तर प्रदेश कैडेट से IAS ऑफिसर थे, ये अभी अपॉइंट हो गए. ओके, इनका नाम पी के सिन्हा, याद रखिए. सो विद दिस वीडियो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने कवर करवा लिए. एंड देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे शेयर करूंगा. स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन, लाइक आपने दो दिन के, लाइक पहले भी मैं देख रहा था कमेंट्स, सर दो दिन के, अभी जैसे आज 16 क्वेश्चन हैं तो दो दिन के 16 ही हुए, ताकि बाकी चैनल जो 12 क्वेश्चन करवा दें, 13 क्वेश्चन करवा दें. लेट मी क्लियर वन थिंग अगेन. देखो, मैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ. वही चीज़ें करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी एंड जो आपके एग्जाम्स में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है. अदरवाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं. अब आप खुद सोचिए कि पर डे अगर हम 10 क्वेश्चन भी करेंगे तो महीने के 300 क्वेश्चन हो जाते हैं. एंड जब आप करंट अफेयर क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ के करते हैं तो आप 1500 करंट अफेयर्स भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देंगे तो डेट आर सफिशिएंट. एग्जाम में आपको ओनली 10 टू 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड मेक इट श्योर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे. एक्स्ट्रा चीज़ें करने में, लाइक करवाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी करवाते रहूँगा, बट डेट डजेंट मेक एनी सेंस. वो आपको आपके दिमाग में एक्स्ट्रा चीज़ें डालने का कोई मतलब नहीं है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कवर हो रही है. जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए, जन सिचुएशन की, लाइक राइट नाउ थोड़ी सी सिचुएशन खराब है इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्रॉम लास्ट 41 डेज. यहाँ पे आज 41 डेज, लाइक 5 अगस्त को बंद हुआ था और आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए आज कितनी डेट हो गई. स्टिल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा सफर कर रहे हैं बिकॉज अभी आप सबको पता है कि डिपेंडेंसी कितना हो गया इंटरनेट पे, ऑनलाइन पढ़ना सब कुछ, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है राइट नाउ जैन के. एंड वी होप कि जल्द से जल्दी नॉर्मलाइज हो जाए सारी चीज़ें, एंड सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स भी, हमारे खासकर जैन के भी हमारे वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो. थैंक यू.